गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पाठ दो संयुक्त वर्णा पढ़ेंगे। संयुक्त वर्णा का क्या अर्थ होता है? जुड़े हुए वर्ण, जिन वर्णों को जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्णा। हाँ प्यारे बच्चों, हम संयुक्त वर्णों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, इसका अर्थ देखो, व्यंजन जब दो व्यंजन कौन से होते हैं? हमारे संस्कृत में 33 व्यंजन हैं, और उन व्यंजनों में से कोई भी दो व्यंजन जब आपस में मिल जाते हैं और जब वो एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है क और श। ये देखो, इनके नीचे हलंत भी है। हलंत का अर्थ होता है कि ये व्यंजन स्वर से रहित हैं। तो इन दोनों व्यंजनों को मिलाकर हमारा एक नया व्यंजन कौन सा बना? क्ष, क्ष क्षत्रिय। ऐसे ही तो और र को मिलाकर क्या बना? त्र, त्र त्रिशूल। तो बच्चों, आपको समझ में आया, जब दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आगे है वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। अब इसमें भी देखो, वर्ण संयोग, जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण हमारे स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। जब किसी भी शब्द में स्वर और व्यंजनों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहा जाता है। जिस प्रकार देखो, वर्णों, स्वर एवं व्यंजनों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहा जाता है। जैसे क अ म अ ल अ, कमल क्या बना? इन देखो, ये क्या है? क, ये एक व्यंजन है। अ, अ क्या है? एक स्वर है। तो क और अ, स्वर और व्यंजन को आपस में मिला दिया गया है। तो इन सभी स्वर और व्यंजन को हमने आपस में मिलाया तो हमें एक नया शब्द मिल गया। इन सब व्यंजनों को मिलाने से हमें क्या शब्द मिला? कमल। तो किसी भी शब्द के स्वर और व्यंजन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसे वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहा जाता है। अब आगे देखो, इसी प्रकार से वर्ण विच्छेद। अब ये बिल्कुल वर्ण संयोग का उल्टा है। वर्ण संयोग में क्या किया था? हमने बिखरे हुए वर्णों को इकट्ठा करके हमने एक शब्द बनाया था। अब वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं? हमें एक शब्द दिया जाता है और शब्द के वर्णों को हम अलग अलग करते हैं, अर्थात शब्द में दिए गए स्वर और व्यंजनों को हम अलग अलग करते हैं और इस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। देखो, किसी भी शब्द के वर्णों, स्वर व व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या शब्द दिया गया है? पत्र। प अ त, यहाँ पे क्या दिया गया? र अ। तो हमने यहाँ शब्द पत्र के वर्णों को
वर्ण कौन से हैं इसमें, ये पहले व्यंजन स्वर, व्यंजन और स्वर को हमने अलग किया, तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई, शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्ण विच्छेद करना।